ठीक है, आई एम ऑडिबल क्लियरली राइट? यू गाइस आर नॉट ऑडिबल टू मी। ठीक एक बार कोई बता दो, क्लियरली ऑडिबल है या नहीं? आई एम इन डाउट। यस ऐसा सर, सर, सो आई स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके चलो, तो आज हम लोग क्या लेने वाले हैं? आज ट्रिगर और वर्कफ्लो देखेंगे हम लोग, ठीक है? और हमारा वो ग्लू जॉब का भी थोड़े नोट्स लिखना बचा था, राइट, लास्ट टाइम। तो आज हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि हमें थोड़े ग्लू जॉब क्रिएट करने ही पड़ेंगे, ठीक है? टू डेमोन्स्ट्रेट वर्क फ्लो, वॉट विल डू इज विल परफॉर्म सर्टन क्लीन अप फर्स्ट, ठीक है? आई वॉन्ट टू यूज दैट गराज डेटा क्रॉलर एज अ पार्ट ऑफ ट्रिगर इन वर्क फ्लो, ठीक है? तो हमें पता है ना, गराज डेटा क्रॉलर बनाया था हमने, याद है हमें? सर। ठीक है ना? हाँ, ये वाला क्रॉलर बनाया था टू क्रॉल और 4-5 टेबल्स ऑफ गराज डेटा, 6 टेबल्स, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, हमने सिर्फ इसके एक टेबल पे एक ग्लू जॉब बनाया था, राइट? कस्टमर्स टेबल पे स्कीमा कन्वर्जन का ग्लू जॉब बनाया था, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्लीन अप परफॉर्म करेंगे। क्लीन अप में क्या है कि आई वॉन्ट टू मतलब क्रॉलर के पिछले पास्ट रिजल्ट जो है ना, मुझे वो क्लीन करने हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि अब भी जो हम लोग वर्क फ्लो ट्रिगर करेंगे वो बराबर वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे तो पहले क्लीन अप परफॉर्म कर देता हूँ। आई एम डिलीटिंग दिस टेबल्स। ठीक है, ठीक है, अभी कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। सो जब अब हम ये क्रॉलर यूज करेंगे तो ये क्रॉल होगा, उसके सक्सेस या फेल्यूर पे डिसाइड होगा कि हमारा ग्लू जॉब कैसे ट्रिगर करेगा, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार मैं वर्क फ्लो के बारे में बता देता हूँ। विल क्या बोलते हैं, ट्रेस इट डाउन, और बाद में जो चीजें कर रहे हो दैट विल मेक मोर सेंस। अदरवाइज आई बी क्रिएटिंग ग्लू जॉब एंड यू विल नॉट अंडरस्टैंड वाई वी आर क्रिएटिंग इट। तो हम लोग थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग में जाते हैं, पहले आखिरी वाली चीज पढ़ते हैं, बाद में विल ट्रेस इट बैक, ठीक है? तो व्हाट आर वर्क फ्लोज, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी व्हाट आर वर्क फ्लोज? इट इज ऑर्केस्ट्रेशन, सिमिलर टू ऑर्केस्ट्रेशन। यस, या ऑर्केस्ट्रेशन, शेड्यूलिंग, ऑटोमेशन, राइट? वन एंड द सेम थिंग। व्हाट वी डू इज वी क्रिएट अ होल सेट ऑफ पाइपलाइन बाय डिफाइनिंग डिपेंडेंसी एंड इट्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। मैं हर बार ना, कभी भी ऑर्केस्ट्रेशन को डिफाइन करने के लिए दो चीजें, जो दो टर्म्स यूज कर रहा हूँ हर बार, ठीक है? क्योंकि मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो ऑर्केस्ट्रेशन इज अबाउट डिपेंडेंसीज एंड इट्स ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, दो कीवर्ड है। तो याद रखा करो, ऐसी कोई चीजें होती है, अगर आपको किसी ने डिफाइन करने के लिए बोल दिया ना कभी, मतलब इफ एनीवन आस्क यू इन इंटरव्यू, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू नो स्टफ बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है? एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन ऑल्सो, इट बिकम्स वेरी लेंदी एंड डजेंट कन्वे द एक्चुअल क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इसके लिए ना, नॉट नेसेसरीली टू बाय हार्ट सर्टेन थिंग्स, बट इफ यू हैव क्लैरिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, दीज आर द टू कीवर्ड्स, ईच टाइम व्हेन आई डिफाइनिंग दिस कॉन्सेप्ट आई विल बी यूजिंग दिस कीवर्ड्स, जस्ट आई विल बी रिमेम्बरिंग दिस टू कीवर्ड्स एंड मेक माई ओन सेंटेंसेस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है? तो ऐसा कुछ डिवाइस करो, क्योंकि याद रखना एक सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का, ठीक है? याद थोड़ा सा टेक्निक से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है? व्हेन यू वांट टू आंसर सर्टेन थिंग्स प्रॉपरली एंड विद सम टेक्निकल वर्ड्स, तो याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो लेकिन पूरे सेंटेंस के सेंटेंस मगअप करके बताओगे ना कभी किसी को, उसको भी समझ में आएगा, यार इसने तो मतलब रटा हुआ सेंटेंस बता रहे, लेकिन एटलीस्ट
try to use your language with certain key phrases that are required to explain that concept. ठीक है, तो workflows are nothing but any sort of orchestration, scheduling or automation of an ETL pipeline, which defines dependencies and order of execution. ठीक है, चलो हमने देखा था, ये notepad में लिखा है हमारे, देखते हैं क्या. देखो, orchestration automation of ETL workloads by defining sequence of jobs, triggers and crawlers. ठीक है, in terms of हमने glue service के workflows के in terms of यहाँ पे define किया. ठीक है, different components put together along with defined dependencies and order of execution. यहाँ पे देखो दो कीवर्ड आए क्लियरली. ठीक है, ठीक है, ये देखो. तो ऐसे डिफाइन करोगे तो थोड़ा यूजफुल होता है. ठीक है, मतलब आगे वाले को भी समझ में आता है कि इसको क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम पता है. तो इन व्हाइल डिफाइनिंग वर्कफ्लो नो वी आर व्हाट वी विल बी डूइंग इज विल बी ट्रिगरिंग सर्टेन टास्क बेस्ड ऑन सर्टेन इवेंट और अ शेड्यूल. ठीक है, तो उसके लिए हमें लगता है ट्रिगर. ट्रिगर हमें पता है क्या है, ट्रिगर विल बी क्रिएटिंग नाउ. ठीक है, हम लोग एक एक चीज ऐड करेंगे इस वर्कफ्लो में. पहले तो बेसिक वर्कफ्लो ऐड कर देते हैं. क्या इसका नाम देते हैं, डीएस गराज वर्कफ्लो. ठीक है, गराज गराज डेटा को क्रॉल करने वाला है. ठीक है, तो डीएस गराज वर्कफ्लो नाम दिया है मैंने. प्रॉपर्टीज वगैरह अभी के लिए रहने दो, डजंट मेक सेंस अभी इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है. वेन एवर वी नीड इट विल यूज इट, क्योंकि वर्कफ्लो ऐसा यूज भी नहीं होता है वैसे. ठीक है, हमारा वर्कफ्लो क्रिएट हो गया है. व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू ऐड द कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, यहाँ से हम लोग कॉम्पोनेंट्स ऐड करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है ऐड ट्रिगर का, यहाँ पे भी दिखता है ऐड ट्रिगर. अब भी हमारे पास ट्रिगर क्रिएटेड ही नहीं है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी वांट टू ऐड. इफ यू हैव एनी एग्जिस्टिंग ट्रिगर यू कैन डू दैट, अदरवाइज यू कैन ऐड अ न्यू ट्रिगर ऑल्सो. ठीक है, अब भी हम लोग यहाँ से ऐड करने के अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मतलब यहाँ से भी कर सकते हो ऐड, लेकिन हम नॉर्मल रूट से जाएंगे, वहां पे ट्रिगर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे. ठीक है, अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज विल क्रिएट इट हियर फर्स्ट. ठीक है, क्या है ये मेरा वर्कफ्लो स्टार्ट ट्रिगर. ये ट्रिगर क्यों बना रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला एज अ शेड्यूल ट्रिगर बना रहा हूं, क्योंकि मुझे ये पूरा वर्कफ्लो इस ट्रिगर से स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है, देखो क्या है, मुझे ये वर्कफ्लो अगर स्टार्ट करना है कुछ ना कुछ इनिशिएशन के लिए ये चाहिए होगा ना, नज 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 समझ में आता है, नज वर्ड पता है किसी. ठीक है, नज छोड़ दो, क्या बोलते हो, एक हिंट बोल सकते हो क्या, एक किक स्टार्ट चाहिए होगा. राइट, तो देयर हैज टू बी सर्टन थिंग विच शुड ट्रिगर, ही वर्ड आता है यार उसमें, हर चीज में ट्रिगर वर्ड आता है. We should make Glue understand that this is the time that workflow should start running. समझ में आया अभी? Yes. ठीक है ना, तो this is a starting trigger, so this will be our schedule based trigger. तो trigger types देखोगे अभी कौन कौन से दिख रहे हैं आपको. Scheduled मतलब आप schedule mention करोगे, event you will mention event मतलब कोई भी अगर event के बाद उस मतलब इवेंट को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसके आउटपुट के हिसाब से कुछ चीजें अगर ट्रिगर करनी है तो दैट विल बी अ इवेंट ड्रिवन ट्रिगर. ठीक है, एक हो गया शेड्यूल ट्रिगर, एक हो गया इवेंट ड्रिवन ट्रिगर. हम लोग ये इसको लिख लेते हैं अभी. ये कंफ्यूजिंग होगा क्या, मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद नोट्स लिखने चाहिए या इन बिटवीन लिख सकते हैं हम, बता दो. मतलब ये आपकी चॉइस है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. व्हाट डू यू गाइस प्रेफर? ठीक है ना, बाकी लोग इमीडिएटली समझ आएगा सर. ठीक है चलेगा, बाकी लोग भी देख लो, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि ये इन बिटवीन जाते हैं तो चेन ऑफ थॉट टूट जाता है बाकी लोगों का भी, तो देख लो. मतलब अगर किसी को इससे दिक्कत है बताओ बस. ठीक है, तो विल डू इट
विल राइट इट इन बिटवीन ओनली, ठीक है? तो ट्रिगर में हम लोग इसको लिख लेते हैं कि ट्रिगर टाइप्स, क्या थे ट्रिगर टाइप्स? शेड्यूल, डिमांड, शेड्यूल, ट्रिगर, इवेंट, ऑन डिमांड, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, राइट, इवेंट ड्रिवन, इवेंट ब्रिज रेट, इवेंट ब्रिज इवेंट, इवेंट ड्रिवन है, ऑन डिमांड है, यस, इवेंट ब्रिज भी लिख लेंगे हम लोग, लेकिन हमारे लिए कुछ यूटिलिटी नहीं है उसकी, इवेंट ब्रिज इवेंट, ठीक है? मतलब सॉर्ट ऑफ इवेंट ही हो गया, लेकिन एक अलग सर्विस के इवेंट से हम लोग ट्रिगर कर रहे हैं, इसलिए उसको इवेंट ब्रिज एक सर्विस है, उसमें हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। सॉर्ट ऑफ ये इवेंट क्या होता है आपका, ये वाले जो इवेंट है ना, ये आइदर इवेंट इज आइदर ETL जॉब लिखता हूं मैं यहाँ पे, ETL जॉब और क्रॉलर, ठीक है? इवेंट इसमें होता है ETL जॉब और क्रॉलर। इवेंट ब्रिज इवेंट में हम लोग इवेंट ब्रिज में जो इवेंट क्रिएट करते हैं और उसको लिंक करते हैं इस ट्रिगर से, वो होता है इवेंट ब्रिज कटकर, लेकिन हम लोग इवेंट ब्रिज देखने वाले नहीं है, नॉट मच यूजफुल टू अस। ऑन डिमांड तो पता ही है, यू विल ट्रिगर इट मैन्युअली, राइट, यू मैन्युअल रन, सर बराबर, आई एम हैविंग लिटिल कंफ्यूजन यस, इन द बोलो। इवेंट ड्रिवन वी हैव रिटन इवेंट इज आइदर ईटीएल जॉब और क्रॉलर मीन्स व्हेन वी विल रन दीज टू थिंग्स देन ऑटोमेटिकली ट्रिगर विल बी ड्रिवन ना इज इट सो ना ठीक है, हाँ, हम लोग अगर इसके बाद हम लोग इवेंट ड्रिवन ट्रिगर क्रिएट करने वाले हैं, उसमें आपको समझेगा कि वॉच रिसोर्सेस क्या रहता है, टारगेट रिसोर्सेस क्या रहता है, एट दैट टाइम यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। मैंने क्या बोला, ट्रिगर, ये जो शेड्यूल ट्रिगर है ये कैसे रन होगा, शेड्यूल के हिसाब से, राइट। इवेंट ड्रिवन ट्रिगर क्या करते हैं हम लोग, किसी ETL जॉब को मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग या फिर किसी क्रॉलर को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है? और व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग अ सर्टन क्रॉलर, मतलब अगर कोई ट्रिगर में हमने क्रॉलर को वॉच रिसोर्सेस में डाला है एंड वी आर प्रोवाइडिंग सर्टन स्टेट ऑफ इट्स रिजल्ट, मतलब सक्सेसफुल है, कैंसल्ड है या फिर फेल्ड है, उसके हिसाब से इफ दैट इवेंट अचीव्स दैट पर्टिकुलर स्टेट, देन योर ट्रिगर विल स्टार्ट रनिंग, मतलब ट्रिगर विल, आपका जो ग्लू ट्रिगर है इट विल इनिशिएट अ नेक्स्ट डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन दैट, विल अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? हम लोग वर्क फ्लो में वही देखने वाले हैं, यू विल हैव आइडिया अबाउट दिस थिंग, ठीक है? इवेंट ड्रिवन मतलब अगर ग्लू जॉब से ड्रिवन है, मतलब ग्लू जॉब के आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि आपके ट्रिगर का इनिशिएशन होगा या नहीं। क्रॉलर अगर दिया है आपने एज अ वॉच रिसोर्स, तो आपके क्रॉलर के आउटपुट से होगा, ठीक है? विल लुक एट इट, ठीक है? तो ये हो गया आपका ट्रिगर टाइप। अभी के लिए ये छोड़ दो, एनी वॉच इवेंट, ऑल वॉच इवेंट, मैं उस टाइम समझाऊंगा, हम लोग को और एक ट्रिगर बनाने की जरूरत पड़ने ही वाली है, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक इट अ शेड्यूल ट्रिगर फॉर व्हाट वी कैन डू, कस्टम कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है? कस्टम क्रॉन देना पड़ेगा हमें, क्या देख सकते हैं, यूटीसी के हिसाब से देना पड़ता है ना, ठीक है? इसको हम आर्ली करते हैं, आर्ली व्हाट मैंने, हमें कितना टाइम लगेगा वो क्रिएट करने में, इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, राइट? हम लोग 50th मिनट को करते हैं, लेकिन ये 58 मिनट यूटीसी के हिसाब से रहेगा क्या? शायद एवरी आवर का 58 मिनट में रन हो 58 मिनट ऑफ एवरी आर ना, हाँ, लेकिन वो किस किस आर को किस किस टाइम जोन से ले रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है मुझे। आई थिंक यूटीसी ही लेगा वो, तो 1 घंटे बाद होगा फिर, लेट्स सी। इसको हम लोग नहीं तो ऑन डिमांड कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है?
तो आप आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल के हिसाब से अगर करना है समझो। हाँ भी हमारे अगर क्या 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 नाम दिया था हमने, वर्क फ्लो ट्रिगर। स्टार्ट स्टार्ट वर्क फ्लो ट्रिगर पे। अभी के लिए हम लोग इसको ऑन डिमांड रखते हैं, क्योंकि वेट करना ना हमें समझ में नहीं आता, वो टाइम कैलकुलेशन। ठीक है, तो आपको शेड्यूल करना है तो कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाएगा। अभी के लिए ऑन डिमांड रखते हैं, सो दैट विल डू इट मैन्युअली देन। मतलब उसमें कुछ डिफरेंस तो है नहीं शेड्यूल करने में और ऑन डिमांड करने में, शेड्यूल कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, इवेंट तो मैं दिखाने वाला हूँ, अभी के लिए ऑन डिमांड रखते हैं, क्योंकि विल हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि जब हमारा कंप्लीट होता है तब विल ऑन डिमांड रन दिस ट्रिगर एंड विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट आर वर्क। ठीक है, अभी के लिए ऑन डिमांड रखता हूँ। इफ इट इज नेसेसरी हम लोग अगले लेक्चर में फिर शेड्यूल का भी देखेंगे, मैं थोड़ा ये करके आ जाऊँ। ठीक है, तो वर्क फ्लो में ना अभी यहाँ पे दिख रहा है, एड नोट दिख रहा है आपको, तो वर्क फ्लो में क्या होता है पता है क्या, हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। वर्क फ्लो में दो मेजर कंपोनेंट है, पता नहीं ट्रेडिशनल सोर्सेस क्या बोलते हैं इसके हिसाब से, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने दो कंपोनेंट्स बना के रखे इसके, दो टू कंपोनेंट्स, वन इज योर ट्रिगर्स एंड अदर इज योर नोड्स। व्हाट आर नोड्स? नोड्स वुड बी जॉब्स और क्रॉलर। क्रॉलर ठीक है, तो आइदर यू विल ऐड ट्रिगर और यू विल ऐड नोड्स। ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप, दिस इज योर ट्रिगर एंड यू विल ऐड नोड हियर। ठीक है, तो हम लोग नोड ऐड करना है, मतलब क्या करना है, अभी ये अगर ट्रिगर हो गया इसके बाद एक एक्टिविटी होनी चाहिए, वो हमें चाहिए क्रॉलिंग एक्टिविटी। ठीक है, व्हाट विल डू इज विल ऐड नोड एज अ क्रॉलर। कौन सा क्रॉलर ऐड करेंगे हम लोग? गराज क्रॉलर। ठीक है, ये हमारा क्रॉलर होगा, बिकॉज पहले ग्लू जॉब से पहले हमारा डेटा क्रॉल चाहिए, राइट? हमारे ग्लू जॉब में हमने AWS डेटा कैटलॉग यूज किया है, बराबर, कस्टमर स्कीमा कन्वर्जन में, राइट? अच्छा याद है क्या? हाँ, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, ये हो गया आपका क्रॉलर। इफ यू कैन सी नाउ इट हैज इट्स ओन सिम्बॉल्स, क्रॉलर के लिए ऐसा स्पाइडर दिया है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ठीक है, मतलब अलग अलग सिम्बॉल्स है, तो ब्लू जॉब के लिए आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमने गराज क्रॉलर अभी यहाँ पे ऐड किया एज ए नोड। व्हाट वी वांट इज, अभी जब हम लोग एक इवेंट ड्रिवन ट्रिगर क्रिएट करेंगे, व्हाट वी वांट इज, देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वर्क फ्लो का विद दिस ट्रिगर, स्टार्ट वर्क फ्लो ट्रिगर, राइट? उसके बाद क्या होगा, ये गराज क्रॉलर रन होगा। व्हाट वी वॉन्ट इज हमें इसको मॉनिटर करने के बाद अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें हमारे ग्लू जॉब ट्रिगर करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ इवेंट ड्रिवन ट्रिगर विच मॉनिटर्स गराज क्रॉलर फॉर इट्स पर्टिकुलर स्टेटस लाइक सक्सेसफुल एंड देन ओनली इट ट्रिगर्स ग्लू जॉब। तो वी विल डू दैट, ट्रिगर में जाते हैं, ये देखो स्टार्ट वर्क फ्लो ट्रिगर दिख रहा है आपको। हम लोग अब भी क्या करते हैं, ETL जॉब ट्रिगर बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, ट्रिगर ETL जॉब को करेगा, राइट? ETL जॉब ट्रिगर ये हमारा होगा इवेंट ड्रिवन ट्रिगर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी इवेंट ड्रिवन में क्या है, होता है। ठीक है, तो देखो ये ऑल और एनी क्या है पता है क्या, अभी तो हमने इस व्हाट डू यू से इस वर्क फ्लो में, हाँ अभी हम लोग जो क्रॉल ट्रिगर ऐड करने वाले हैं, अभी तो सिर्फ सिंगल डिपेंडेंसी है, राइट? देयर कैन बी मल्टीपल क्रॉलर्स दैट आर दैट वी वांट टू वॉच, दैट वी वांट टू वॉच एंड डिसाइड आर डिपेंडेंसी अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर मल्टीपल रिसोर्सेस है, अगर देयर इज वन मोर क्रॉलर, गराज क्रॉलर वन, गराज क्रॉलर टू, गराज क्रॉलर थ्री, एंड और एनी गेट कॉन्सेप्ट है पता है आपको,
ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है पता है ना, यस ऑल और एनी, ठीक है, मतलब एनी का मतलब क्या होता है, इफ वन ऑफ द सोर्स विल आल्सो गेट आउटपुट देन इट इज ओके. ओके यस राइट. तो मतलब देखो अगर आपने एक स्टेट डिफाइन किया है सक्सेसफुल होने के बाद ही ट्रिगर रन होना चाहिए, तो इफ देर आर थ्री क्रॉलर्स दैट वी आर वॉचिंग, इफ एनी वन ऑफ देम अचीव दैट पर्टिकुलर स्टेट दैट वी आर मॉनिटरिंग, तो भी आगे वाली चीज ट्रिगर होगी. मतलब गेटिंग कॉन्सेप्ट है ना, वन 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 अगर होगा तो अगर ऑल सिलेक्ट कर रहे तो वन 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 चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रिगर, इन ऑर्डर टू राइट इट एज अ ट्रू बुलियन राइट. तो अगर एनी कर रहे हो तो 100 भी होगा तो बुलियन क्या आउटपुट देगा, ट्रू ही राइट. मेकिंग सेंस? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कुछ नहीं समझा क्या? समझा सर. बोलो बोलो, अगर नहीं समझा होगा तो फिर से समझाएंगे, क्योंकि ये कंडीशनल लॉजिक है, सिंपल कंडीशनल लॉजिक है ये. ऑल और एनी देख पता होगा ना आपको, सिक्वल में पढ़ा है ऑल और एनी, है ना? तो वही है, बस वही है, उतना ही है. तो हम लोग अभी अभी के लिए तो कोई सिग्निफिकेंस होल्ड करता है ये चीज, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है, वॉच रिसोर्स एक ही है, तो ऑल आर एनी सेम ही रहेगा उसके लिए राइट. ठीक है, तो अभी के लिए ऑल रख देते हैं, डजंट मेक सेंस टू चेंज इट टू एनी और कुछ भी चूज कर लो. ठीक है, व्हाट इज दिस वॉच रिसोर्सेस? अभी ट्रिगर का मतलब अगर समझ में आ गया तो एनीवन कैन एक्सप्लेन मी व्हाट आर वॉच रिसोर्सेस एंड व्हाट व्हाट इट होल्ड्स इंपॉर्टेंस इन ट्रिगर. मैंने अभी बोला ना वर्कफ्लो में आपको इसको देखते रहना है, इसका स्टेट क्या है. ये हो गया आपका वॉच रिसोर्स, मतलब क्या हो गया इसके रन पे एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिजल्ट एंड वेदर इट इज सक्सेसफुल और नॉट, वी विल बी ट्रिगरिंग अ पर्टिकुलर टास्क लेटर. मतलब ये हो गया आपका वॉच रिसोर्स राइट. सो विल एड इट एज अ वॉच रिसोर्स, रिसोर्स टाइप विल बी क्रॉलर, सिलेक्ट क्रॉलर, गैराज क्रॉलर, स्टेटस. अभी देखो यहाँ पे हम लोग को लिख लेना चाहिए ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके चलो, इवेंट ड्रिवन ट्रिगर है, इसमें क्या क्या देखा हमने अब तक, आई डोंट रिमेम्बर. इवेंट ड्रिवन ट्रिगर में क्या देखा अभी हम, किसी को याद नहीं है क्या? हाँ, यहाँ पे ऑप्शन है ऑल और एनी, ठीक है, कंडीशनल लॉजिक ये लिख लोगे खुद, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अभी. चलो लिख लेता हूँ, इफ देयर आर मल्टीपल वॉच्ड रिसोर्सेस फॉर इवेंट ट्रिगर, इवेंट ट्रिगर देन ऑल or any make sense. ठीक है, तो अभी हम लोग all or any लिख लेते हैं. all क्या है, any क्या है, ठीक है बताओ मुझे all क्या है. if all watch resources achieves desired state, then only further no triggers. ठीक है, ठीक है, मतलब इजी है समझने में या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया? इजी है सर. ठीक है ना, हाँ चलो मैं इसी को कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ. इफ एनी वन
of the watch resources achieved the desired state, then further node triggers. ठीक है, लिख लिया हमने ये चीज, कंडीशनल लॉजिक. और क्या बचा है अभी? चलो वॉच रिसोर्स ऐड करना था हमें, हमने नहीं किया. हाँ ये देखो, वॉच रिसोर्स के सेट्स में दो टाइप आएंगे, राइट, जॉब जॉब और क्रॉलर. हमें अभी क्रॉलर ये करना है. क्रॉलर नेम इज गराज क्रॉलर. अभी स्टेटस वगैरह भी लिख के देने की जरूरत है क्या वहां पे? मैं लिख लिख सकता हूँ वैसे तो. वी वॉन्ट टू ट्रिगर अ ग्लू जॉब ओनली द क्रॉलर इज सक्सेसफुल. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सक्सीडेड चूज कर लेते हैं. एट दिस क्रॉलर है तो वॉच रिसोर्स. ठीक है, तो अभी हमें ना टारगेट रिसोर्स चाहिए. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये लोग ये चीज हमें पहले एक रिसोर्स ऐड कर देते. ठीक है, तो ये हमें क्या ट्रिगर करना है? जॉब, राइट. अगर क्रॉलर सक्सेसफुल होता है हमारा गराज क्रॉलर, तो हमें क्या ट्रिगर करना है? यार क्लास में बोलो, हाँ मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, क्या क्या ट्रिगर करना है हमें? जॉब जॉब. ठीक है, कौन से टेबल्स कौन से थे हमारे, याद है किसी को गराज टेबल्स के? कस्टमर एम्प्लॉई सर्वर राइट राइट. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमारे पास सिर्फ एक जॉब क्रिएटेड है ना, कौन सा है वो? कस्टमर स्कीमा कन्वर्जन है, राइट, यही है ना? हाँ ठीक है, तो हम लोग इसको ऐड कर देते हैं अभी. बट वी वॉन्ट मल्टीपल जॉब्स अभी. ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट वर्क फ्लो वॉट विल डू इज विल होल्ड दिस थिंग विल गो टू जॉब्स विल क्रिएट टू जॉब्स. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, यहाँ पे जाते हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट फ्यू मोर जॉब्स. ठीक है, इसी लाइन पे बनाते हैं, स्कीमा कन्वर्जन की बना लेते हैं अभी के लिए. सिर्फ हम सीएसवी फाइल रीड करेंगे उसको, या पार्क या जेसन में डंप करेंगे. ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना है, वी डोंट वॉन्ट टू अचीव एनीथिंग विद दिस जॉब्स. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट कस्टमर स्कीमा कन्वर्जन. लेट्स लुक एट द टेबल वंस. एम्प्लॉय परचेस चार बना लेते, चलो डू इट फास्ट. मैं बताऊंगा नहीं अभी, ऑब्जर्व करो. ठीक है, ओके, अभी कोई भी चीज क्रॉल्ड नहीं है. ठीक है ना, यू हैव डिलीटेड ऑल द टेबल्स. यस 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 यस. सर वो क्रॉलर को रन करना पड़ेगा अगर फिर से. हाँ राइट राइट राइट, क्रॉलर को रन करना पड़ेगा वंस, या फिर टेबल्स हम लोग मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं, उस पर दिक्कत नहीं है, वो ओवरराइड करेगा फिर. व्हाट विल डू इज रन करते हैं हम लोग एक बार, चलो. ठीक है, मैन्युअली क्रिएट करने से अच्छा है रन कर. हेलो चिन्मय, हाँ बोलो. वी कैन एडिट एंड ऐड डेटा सोर्सेस, एडिट दैट क्रॉलर एंड वी कैन ऐड डेटा सोर्सेस इफ पॉसिबल. कहाँ पे? क्रॉलर पहले से जो बना हुआ है हाँ हाँ उसमें उसको ही एडिट करके वी कैन ऐड डेटा सोर्स. एडिट राइट 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 कॉर्नर, यही ना. एडिट एडिट राइट हाँ कॉर्नर. करना करना क्या है उसको? यस, यहाँ पे हम लोग वो डेटा सोर्स ऐड कर सकते हैं ना, बाकी जो टेबल्स है वो तो वो सेकंड. सारे ही एडेड है, सारे ही एडेड है. वी आर क्रॉलिंग ऑल दी सब फोल्डर्स नाउ. वी आर ओके 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 क्रिएटिंग ऑल दी टेबल्स यूजिंग द सेम क्रॉलर. ठीक है, तो यस इन जनरल क्या करना पड़ेगा बताए क्या? अगर आपको वर्कफ्लो डेमोन्स्ट्रेट करना है और आपको पहले क्रॉल भी नहीं करना है, तो आपको जो भी टेबल बनने वाले हैं ना, आपको पता है, ठीक है, क्रॉलर से जो भी टेबल बनने वाले, उसको मैन्युअली आपको एटलीस्ट टेबल क्रिएट करने पड़ेंगे. आप जो भी डेटाबेस बनाने वाले हो, हमारा कौन सा डेटाबेस है इसमें,
व्हाट इज दिस डेटाबेस, गराज डीबी है ना, गराज तो उसमें हमें ना मैन्युअली टेबल बनाना, ठीक है, एड टेबल मैन्युअली करने पड़ेंगे, एंड विल विल हैव टू एड द सेम टेबल नेम एज योर ट्रिगर विल जनरेट, ये याद रखो, ठीक है, आपको पता है कि आपका ट्रिगर, बोल रहा हूँ मैं, क्रॉलर, क्रॉलर क्या नाम से जनरेट करेगा ये आपको पता है, ये वाले नाम से, तो आपको टेबल भी ना यहाँ पे वही बनाने पड़ेंगे, बट इंस्टेड ऑफ मेकिंग मैन्युअली व्हाट विल डू इज विल रन दिस थिंग क्रॉलर एंड लेट सी, उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है, उसके बाद लगा हमें तो कुछ और फाइल डंप करके देखते हैं, ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है, न्यूज हेलो. क्रॉल न्यू सब फोल्डर्स ओनली करके देते हैं। हाँ बोलो। सर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनदर क्रिएटिंग दैट, हेलो, एम आई हाँ बोलो। ऑडिबल? यस यस यू आर। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग मींस इंस्टेड ऑफ रनिंग दैट क्रॉलर, इफ वी टेक द अनदर डेटाबेस फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, इट विल बी ओपन. मींस वी आर क्रिएटिंग ETL जॉब्स. And for that, we are crawling that same crawler which we had taken in the pipeline. So instead of this, we can take another a database which have already created table. लेकिन वो टेबल्स लोगे तो उसपे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट? Yes, sir. तो क्रॉल डेटा पे तो ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होगा ना, सिर्फ इफ यू आर कंसिडरिंग टू डेटाबेसेस, राइट? ऐसे गराज डीबी है तो गराज डीबी टू एक बना रहे हो, गराज डीबी में आप अभी बिना क्रॉलिंग के ही कुछ टेबल्स ऐड कर रहे हो, राइट? Yes, sir. हाँ, तो उसको अगर ग्लू जॉब में रेफर कर रहे हो तो एक्शंस विल गेट परफॉर्म्ड ऑन दैट ग्लू दैट गराज डीबी टेबल्स, राइट? बट आप क्रॉल कहाँ पे कर रहे हो, गराज डीबी टू में, तो कुछ मीनिंग नहीं रहेगा ना, गराज डीबी टू में क्रॉल करके आप गराज डीबी के टेबल पे प्रोसेस कर रहे हो तो वो ETL का कुछ मतलब नहीं रहेगा। बच्चा अभी भी हम वैसे ही कर रहे हैं ना, अभी हम लोग नहीं नहीं कॉलर नहीं एज अ ट्रिगर डाले वहां पे सेम कॉलर अरे वो एज छोड़ो, अ सब. ठीक है, चलो मैं मैन्युअली क्रिएट कर देता हूँ, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है ना तो मैन्युअली क्रिएट कर दो। चलो व्हाट विल डू इज विल क्रिएट दिस टेबल्स, क्या नाम है उनके, कस्टमर एम्प्लॉय. हाँ एग्जैक्ट नाम रख पड़ेंगे, आई विल कॉपी दिस। कस्टमर्स गराज डीबी में परफॉर्मेंस नेक्स्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट टेबल के लिए। टेबल सेकंड क्या है,
ठीक है, और एक कर लेते हैं। क्या नाम थे उसका? ठीक है, तो इनके लिए ग्लू जॉब क्रिएट करते हैं हमको, कि विजुअल से करने में दिक्कत आ रही है, नहीं तो स्क्रिप्ट में डायरेक्टली यू कैन प्रोवाइड ना, जो भी आपको अगर पता ही है टेबल के नाम क्या आने वाले हैं, ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस मैनुअल टेबल्स एंड ऑल इन दैट केस। सो व्हाट व्हाट विल डू इज वी हैव पहले पहले से एक ग्लू जॉब क्रिएटेड है एम्प्लॉय के लिए, करेंगे एक ट्रांसफॉर्म ऐड करते हैं इसमें, चेंज स्कीमा का एड पैरेंट टू चेंज स्कीमा, ठीक है, ये इसमें चेंजेस हो गए सारे। ठीक है, सर अभी अगर हम लोग करेंगे तो वो गैरेज के टेबल नहीं डिलीट करेंगे तो भी चलेगा ना, फिर वैसे ही जो प्रेजेंट है उनके हाँ ऊपर हाँ भी मत करो चलेगा। मत करो। हाँ कैसे होता है ना, फर्स्ट क्रॉल अगर करके रख दिया आपने, आपके पास स्कीमा अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद सब्सिक्वेंट क्रॉल के लिए आप वर्क फ्लो ट्रिगर कर सकते हो, सब्सिक्वेंट क्रॉल मतलब न्यू फोल्डर्स क्रॉल करने के लिए, ठीक है, तो दैट बिकम्स वेरी इजी। तो हमारे इस केस में हमारे पास स्कीमा ही अवेलेबल नहीं है इन ग्लू। फॉर स्क्रिप्ट एज यू आर यूजिंग विजुअल ना, तो विजुअल में आपको ऑप्शन चूज करने हैं, ठीक है, स्क्रिप्ट में आप डायरेक्टली हार्ड कोड करते हो ना चीजें, तो डायरेक्टली उसमें फिर जो जब भी रन होगा तब भी वो रेफर करे चीजों। टारगेट लोकेशन लिखते हैं यहाँ पे, आई क्रिएट वन फाइल, टारगेट टारगेट लोकेशन लिखने के लिए मैं ना एक फोल्डर बना रहा हूँ गैरेज का। हमारे स्कीमा वाले जॉब में भी चेंजेस करने, मुझे याद दिलाना, उसका टारगेट लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। इन स्कीमा में कुछ नहीं कर रहे अभी के लिए, ठीक, चल लेट्स गो हियर। क्या है टेबल का नाम? एम्प्लॉय ना, कन्वर्जन, कितने वर्कर्स लेने पड़ेंगे बताओ, बोलो लास्ट टाइम दो कितने? ठीक, दिए थे सर, लास्ट टाइम तो दो या चार कुछ भी ले लो, ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा मत लो, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे जॉब्स है ना, दो भी हो जाते हैं। चलो तो ही कर लेते हैं उसको, एक से भी हो जाता है, एक में भी बहुत कैपेसिटी होती है।
think we have provided everything, right? Let's see. जॉब में जाते रिप्लीकेट कर सकते क्या देखते हैं एडिट करते हैं पहले उसको to be customers. Customers table create किया है क्या हमने? Yes, of course. हाँ ठीक ठीक है इसमें तो कुछ changes तो चाहिए नहीं है पूछते हैं Let's go back. I'll do is duplicate कर सकते क्लोन जॉब करते यहाँ पे चेंजेस चलो चेंज क्लोन करते इस जॉब को और फिर चेंजेस करते चलो इसका नाम चेंज करते यहाँ पे मैंने क्या किया समझ में आया क्या आई डोंट वॉन्ट टू मेक मेनी चेंजेस सो आई हैव फोन दिस जॉब और थर्ड वाला परचेस है ना हमारा लेकिन ये क्लोनिंग में भी ना बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे आपको ठीक है क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अभी विजुअल में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे हमें यहाँ पे चूज करना पड़ेगा परचेस अच्छा लगता है परचेस कन्वर्जन आउटपुट लोकेशन चेंज करना पड़ेगा ठीक है और कुछ चेंजेस बताओ कुछ चेंजेस लगेंगे आप या ध्यान दे रहे हो क्या ना यस सर यस चलो मुझे बताते रहो मैं भूल गया तो बताते रहना मुझे कोई चेंजेस चेंज करना अगर मैं भूल गया तो अभी तो हो गए हमारे सारे जॉब्स क्रिएट बराबर अभी सर बताओ आगे क्या करना है बताओ याद नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है आगे अभी क्या वर्कफ्लो में ना सर अभी वर्कफ्लो में करना है जाएंगे वर्कफ्लो में जाना पड़ेगा ना वर्कफ्लो में सर जाना है वर्कफ्लो से पहले हमें ट्रिगर बना रहे थे राइट वर्कफ्लो के लिए हम इवेंट ड्रिवन ट्रिगर बना रहे थे यहाँ पे आ गए तो हमें टारगेट रिसोर्सेज डालने हैं ना तो हम लोग हाँ टारगेट जी रिसोर्सेज डालते हैं अभी ठीक है तो हमारे टारगेट रिसोर्सेज क्या है अभी जॉब जॉब है या जॉब ट्रिगर है यस आर यू श्योर सर जॉब ही है जॉब सर तो जॉब कौन सा जॉब है बताओ जॉब कस्टमर एम्प्लॉय एंड परचेस स्कीम अपने ओके ठीक है परचेस दिखानी है हमें परचेस की परचेस पर क्या सेल अभी है हाँ क्या हो गए ना तीन ठीक है विल गो नेक्स्ट क्वेश्चन सेट चलो इन्हें वो ट्रिगर ऑन क्रिएशन एक्टिवेट कर देना चाहिए क्रिएट
अभी क्या करना है बताओ आगे। वर्क फ्लो में ट्रिगर ऐड करेंगे, ट्रिगर वर्क फ्लो में ठीक ऐड करेंगे वाला दिन ट्रिगर है, किया। ठीक कैसे करेंगे वो बताओ। तो आपको पता, सॉरी, वो तो आपको पता ना सर। सर अरे अभी तो दिखाया था मैंने, ऐड ट्रिगर कहीं से करना होता है। यही पर मतलब नीचे से ही डायरेक्ट ऐड किया था आपने, जो स्टार्ट वर्क फ्लो वाला है ना। एक्शन में दिखाया था यार अभी तो, कहाँ पे क्या है हमारे ट्रिगर का नाम क्या है? ईटीएल ईटीएल जॉब ट्रिगर, जॉब ईटीएल जॉब। हाँ हो गया ऐड। ठीक है, कैन यू सी दिस थिंग्स, ये हमारा हो गया वर्क फ्लो। देखो अभी कोई समझा सकता है मुझे कि क्या हो रहा है इसमें, बताओ। कोई भी वन बाय वन हैंड रेस करो, मैं पूछता हूँ, मुझे डिटेल में समझाना कि हर चीज के बारे में समझाना इसमें। हैंड रेस करो, ऐसे मत समझो कि हैंड रेस नहीं किया तो पूछूंगा नहीं मैं, आता है तो सच में हैंड रेस करो। देर इज मोर चांस कि मैं हैंड रेस वालों को ना पूछूं और बिना जिसने हैंड रेस नहीं किया उनको भी। ठीक है, अगर आता है आपको एक्सप्लेनेशन आता है तो बताओ ना, सिंपल ही तो है, अभी तो इतनी बड़बड़ की मैंने। सिर्फ 5 लोग यार, क्या है मतलब वर्क फ्लो में क्या ही है वैसे? यहाँ पे सारी चीजें दिख रही है आपको, नाम दिख रहा है, काम दिख रहा है उसका, सब कुछ दिख रहा है आगे, सिर्फ 6 लोग। कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? जो आता है वो बताओ, परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बताओ। गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है, या फिर किसी को बोलूंगा करेक्ट करने के लिए। ज्यादा लोग आने चाहिए यार आगे, 7 लोग बस, इतना कम मतलब, इतने कम लोगों को समझ में आ रहे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्लास में बोलने से डर लगता है या फिर समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ। चलो हैंड्स डाउन कर दो, कुछ मतलब नहीं है इतने कम लोगों के इसका। अब मुझे ये बताओ कि समझ में आया है और बोल नहीं पाऊंगा, बोलो हैंड रेस करो, मतलब ये आपकी हेल्प के लिए पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? तो आई 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 एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों का दिक्कत कहाँ पे आ रहा है। समझने में आ रहा होगा तो आई ट्राई टू इम्प्रूव हाउ टू टीच यू, अदरवाइज आपको अगर समझ में आ रहा है और सिर्फ एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा है तो आई आई टेल यू हाउ टू बी प्रोफिशिएंट इन दैट ऑल्सो। तो हैंड रेज कर सकते हो आप, कि अगर यू हैव अंडरस्टूड द थिंग बट यू आर नॉट कंफर्टेबल इन एक्सप्लेनिंग इट टू द क्लास, वो लोग हैंड रेज करो। बाकी लोगों को मतलब समझ में नहीं आएगा, फिर इनएक्टिव स्टेटस से कैसे होगा यार, मुझे कैसे समझ में आएगा आगे जाना है या नहीं? एटलीस्ट मुंह तो खोलो, मतलब एक बार अनम्यूट करके बोलो कि फिर से समझा दो एक बार, कंफ्यूजन हो गई है, या फिर एक बार नोटपैड में लिख के दिखा दो सो दैट वील हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब भी नहीं बोलोगे ना, कभी नहीं बोलोगे, ये याद रखना। हेलो सर, हाँ बोलो। अभी जो प्रोसीजर की ना, मे हाँ भी कुछ लोगों को वो फास्ट लगी होगी आई ठीक थॉट। है, सो अगर हम वो राइटिंग में ले लेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी शायद। देखो राइट राइट, इट इज गुड टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव, आई अप्रिशिएट दैट।
but you have understood, right? Those who haven't understood, they need to speak up at some point of time, right? Because देखो मतलब इसको constructively लेना, आप हर बार उनके लिए stand ले नहीं सकते, right? They need to take their own stand. Until and unless they are taking their own stand, they will not, it will not help them, right? आपको ऐसे लगा होगा कि उनको नहीं समझ में आया, लेकिन उनके मुंह से मुझे सुनना है, क्योंकि उनको बोलने की वो आदत लगनी चाहिए ना बाकी लोगों को भी. सर समझ में आया होगा, लेकिन उनको राइटिंग में पता दिया तो और अच्छे से मे बी हो जाते. I'll do that. वो सर ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास इज नॉट जस्ट टू टीच, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास इज ऑल्सो टू एंश्योर क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो एटलीस्ट तुम क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बात कर पा रहे हो या नहीं, ये भी क्लास का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? आखिरी के इंटरव्यू में जाके बोलने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है? दोज हु हैवंट, मतलब अब भी जो 8 लोग है ना, वो लोग के अलावा बाकी लोग मुझे बताओ कि दिक्कत कहाँ है, क्लास में बोलने में दिक्कत है या फिर समझ में? आई रैंडमली आस्क, वी कैन नॉट वेस्ट दिस मच टाइम. मनोज काप से बोलो यार, क्या हुआ? हेलो. हाँ बोलो. हाँ सर, समझ में आया. एक्सप्लेन क्या क्या? हेलो. हाँ बोलो ना. यस मनोज बोलो. हाँ सर, समझ में आ रहा था. एक्सप्लेनेशन तो मैं अब तक 10 बार पूछा है, मैंने आपका नाम नहीं लिया है, तो अब तक किसी ने बोला क्यों नहीं फिर ये? जस्ट बिकॉज मैं हर बार, आप यही सोचोगे क्या कि मुझे पिन पॉइंट नहीं किया मतलब मैं नहीं बोलूंगा? इनिशिएटिव लो क्लास में, इनिशिएटिव लो, ठीक है? अगर बाकी लोग नहीं बोल रहे तो वो माइंडसेट में मत चले जाओ कि मैं बोलूंगा तो बाकी लोग क्या बोले. ये आप अपने लिए आए हो यहाँ पे, ठीक है? यू शुड थिंक अबाउट यूर सेल्फ फर्स्ट अभी, ठीक है? तो क्लास में बोलो यार ये क्या है मतलब. सिर्फ हैंड रेस करने के टाइम पे हैंड रेस कर दो, बोलने में क्या दिक्कत? मैं तो अभी क्लास में सबसे बुलवाऊंगा आपसे. पवन हल्दे अनम्यूट करो. मतलब ये कोई इंट्रोगेशन नहीं है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, दैट यू यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, ठीक है? 3-4 महीने बाद यू विल थैंक मी फॉर दिस. क्या क्या किया है अब तक आपने? पवन, एम आई ऑडिबल टू यू? पवन आई एम. हाँ हेलो. बोलो पवन. हाँ सर, मैं पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं गया था, मैं थोड़ा बीमार था तो हाँ, आज नो उठना. नॉट एनी, ठीक है? 2-3 दिन का मिस हो गया होगा. मुझे ना आपको कोई वायवा नहीं लेना है यहाँ पे, आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्पीक अप इन द क्लास, ठीक है? तो आप अगर क्लास में बोलोगे नहीं ना, गलत बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अंटिल अनलेस यू स्पीक इन क्लास, नो यू विल नॉट डेवलप दैट कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो जो लोग बोल पा रहे हैं ना, उनके लिए वो बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है? दे कैनॉट अंडरस्टैंड वॉट इज द फियर that others go through while speaking to audience, ठीक है? तो I can understand, ठीक है? आप, मुझे पता है कि आप में से सिर्फ 10-12 लोग ऐसे होंगे जो comfortable है क्लास में बोलने के लिए, लेकिन most, ज्यादा से ज्यादा majority ऐसे है कि जो लोग को पता है answers, ठीक है? That I can understand, मुझे पता है, मेरे क्लास में बहुत लोग ऐसे थे, उनको आंसर पता है, they just don't want to answer it, they want, मतलब उनको पता रहता है कि ठीक है यार, इसने आंसर दे दिया, इसने गलत भी दे दिया, इसने सही भी दे दिया, लेकिन वो खुद बोलना नहीं चाहते. उनके लिए बहुत हार्मफुल चीज है ये. आपको लगता होगा कि आई विल बी एबल टू आंसर इन द इंटरव्यू, माय कम्युनिकेशन इज दिस गुड दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अंटिल अनलेस यू कन्वे इट टू अदर पर्सन, नो यू कैन नॉट गारंटी दैट यू आर गुड एट, यू हैव गुड इंटरव्यू स्किल्स, ठीक है? तो क्लास में ना बोलने का ट्राई करो. इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी में बोलो, अगर उसमें भी दिक्कत आती है ना, मराठी में बोलो अभी के लिए.
आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, जस्ट ट्राई टू स्पीक, ठीक है। गिरीश पोर्दुके अनम्यूट करो, हम लोग 10 मिनट के लिए एक्टिविटी करेंगे। आई नो जिनको बोलना आता है ना क्लास में, उनके लिए ये बहुत ज्यादा वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा। हाँ गिरीश, आपने हाँ क्लासेस फॉलो कर रहे हो, सेशंस फॉलो कर रहे हो? यस सर, यस सर, ठीक है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर, आई अंडरस्टैंड हाफ वे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द कन्वर्जेंस यू हैड मेड, दैट यू मेड लिटिल ओके, फास्ट, वेयर सो आई एम कंफ्यूज ओवर देयर। ओके ओके, कहाँ पे बताओ मुझे, मैं सर आप व्हाट आई अंडरस्टूड इज हाँ फर्स्टली वी क्रिएट अ शेड्यूल ट्रिगर ओके फ्रॉम द वर्कशॉप, दैट शेड्यूल ट्रिगर विल क्रिएट विल ट्रिगर अ क्रॉलर, यस after the crawler, if the crawler becomes successful, crawl and populate the table, the ETL job will initiate, right, and after that, in that ETL job, that convergence will transformation will occur, which you had mentioned over here. That's what I got over. Yeah, you have understood perfectly. Then why you are not answering in the class? Sir, I was not sure about the last convergence you You made. need This not to be sure about certain things, Girish. You have to develop that confidence. You will never be sure about certain things. In interview also now, मतलब बाकी लोग देखो, हिंदी में बोल देता हूँ ये चीज, इंटरव्यू में भी आपको 100% पता रहती है क्या हर चीज? नहीं पता रहेगी, कभी नहीं पता रहेगी। When you are thrown up with certain unusual situation or a use case, you have to think on your feet. ठीक है, उस टाइम पे आप ये नहीं सोच सकते कि a better to not give an answer rather than giving a wrong answer. No, you need to attempt that answer and convey it to an interviewer कि I am thinking in this direction, I may be wrong. ठीक है, तो आपने जैसे बोला कि अनम्यूट करने के बाद बोला ना आपने कि मुझे पता नहीं है कि आई एम करेक्ट और नॉट, बट यू हैव एक्सप्लेन दिस थरोली, राइट? यू आर राइट इन दिस इन योर एक्सप्लेनेशन, तो आगे वाला समझ लेगा ना अगर आप श्योर नहीं हो, इट्स ओके, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन क्लास में बोलोगे रिश, ठीक है, क्योंकि आप बोलोगे नहीं ना अभी, वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हाइल यू आर फेसिंग इंटरव्यूज, ठीक है। तो क्लास में देखो, अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आ रही है, पार्शियल आंसर आ रहा है, तो मैं आपको कभी बोलूंगा नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं हर बार ड्रिल करता हूँ, मैं ना एक बात समझ लो अभी के लिए, मैं उनको ही ड्रिल करता हूँ जो जब मुझे लगता है कि उन लोगों ने बिना एफर्ट डाले क्वेश्चन पूछे है क्लास में, दैट आई डिस्करेज टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे, ठीक है, ये आप समझ लो। अगर आपने कुछ एफर्ट नहीं डाले, दैट टाइम आई विल आस्क यू टू एक्सप्लेन मी व्हाट यू हैव डन, ठीक है। मैं अननेसेसरीली किसी को बोलूंगा नहीं कि यार ये क्यों नहीं समझ में आया, क्लास में अगर नहीं समझ में आया आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, एंड इफ आई अंडरस्टैंड कि आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं पूछूंगा आपको कि ध्यान नहीं दिया होगा आपने। मैं कभी भी किसी को ऐसे नहीं ये करूंगा कि यार आपको समझ में क्यों नहीं आया, हो सकता है यार नहीं समझ में आता है चीजें, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो गिरीश क्लास में बोला करो, ठीक है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी पार्टिसिपेटिव इन द क्लास, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं ना उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज गुड, लेकिन जो लोग नहीं बोलते हैं ना, तो आई वॉन्ट देम टू स्पीक अप इन द क्लास, ठीक है। और उसके लिए टाइम जाए, कोई 2 दिन का भी टाइम जाए ना, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। मैं 2 दिन ना सिर्फ सॉर्ट ऑफ ऐसे ही सेशन ले सकता हूँ, ठीक है, हमारे पास बहुत टाइम, हम लोग 6-6 घंटे के सेशन ले सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है सैटरडे संडे में, लेकिन हमें वो चाहिए, क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए। शुभदा, शुभदा कारलुके बोलो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो, हाँ शुभदा, क्लास में समझ में आ रही है चीजें? हाँ, अगर कोई चीज है जो नहीं समझ में आई। हाँ सर, थोड़ा YouTube से वगैरह जो समझ में नहीं आता है वो YouTube से वगैरह देख रही हूँ। हाँ अभी बताओ, आज के सेशन में क्या नहीं समझ में आया? सर पार्शियली आया। सो कैन यू एक्सप्लेन मी दिस वर्कफ्लो,
whatever you have understood, I'll make a correction. नो सर एक्चुअली इतना भी नहीं समझ में आया कि मैं एक्सप्लेन करूं. बोल दो ना, कुछ तो समझ में आया होगा. क्या नाम तो पढ़ पाओगे? कुछ भी बोलो. जो भी समझ में आया ना बोल दो, दिक्कत नहीं है. आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट. आई हैव प्रॉब्लम इफ यू डोंट अटेम्प्ट. एटलीस्ट ट्राई. अभी तो गिरीश ने बोला ट्राई टू रेप्लीकेट दोस थिंग्स. एटलीस्ट इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू द लेक्चर देन इट इज ओके. या यस शुभदा. आई कांट एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली नाउ सर. नॉट एन इशू. आई एम नॉट आस्किंग यू टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली. जस्ट सी द डायग्राम. वॉट एवर यू अंडरस्टैंड जस्ट टेल. ठीक है. यार सेशन ही करोगे नहीं तो फिर ऐसे ही होगा. इट्स नॉट अ गुड थिंग. आपने अनम्यूट किया और खुद से ही. हेलो. हाँ बोलो सुभदा, बोलना तो पड़ेगा क्लास में. हाँ सर एक्चुअली वो इतना समझ में नहीं आया मुझे. I'll explain you and then you will explain me again. ठीक है. I'll explain you now and you will explain me again. ठीक है. So in workflow, what we are doing is there are two components, as I said. ठीक है. There are triggers and there are nodes. ठीक है. Workflow मतलब एक orchestration या scheduling है. तो पहला जो हमारा trigger है वो सिर्फ workflow को start करने के लिए है. ठीक है. We are in this case we have created on-demand trigger, but generally it is a scheduled trigger. शेड्यूल मतलब वो शेड्यूल के हिसाब से रन होता है. वॉट एवर क्रॉन एक्सप्रेशन वी प्रोवाइड और वॉट एवर मतलब जो ऑप्शन के हिसाब से जो भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, उसका क्रॉन एक्सप्रेशन क्रिएट होता है और उसके हिसाब से वो रन करते हैं. व्हेन दिस स्टार्ट ट्रिगर गेट्स ट्रिगर्ड नो, देन इट विल मूव अहेड विद द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड द क्रॉलर विल स्टार्ट. गराज क्रॉलर. गराज क्रॉलर क्या करेगा? कॉल करेगा डेटा जो भी मेरे S3 बकेट में है, जो यहाँ पे मैंने एज ए सोर्स प्रोवाइड किया है. ठीक है. तो उसको क्रॉल करने के बाद व्हाट इट विल डू इज जो भी डेटाबेस प्रोवाइड किया है उसके अंदर वो टेबल्स क्रिएट करेगा. अगर गराज क्रॉलर का रिजल्ट सक्सेसफुल है तो दिस ट्रिगर व्हाट इट इज डूइंग, दिस इज वॉचिंग. ये वाला ट्रिगर जो दिख रहा है ना आपको, इसका वर्क क्या है? ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है. अभी जब गराज क्रॉलर रन हो रहा है ना, इसको ऑब्जर्व कर रहा है. जब ये सक्सेसफुल होगा, इट इज मॉनिटरिंग द स्टेटस ऑफ दिस क्रॉलर. इफ इट गेट सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल स्टेटस ये अचीव करता है तो ये क्या करेगा? आगे वाले जॉब्स ट्रिगर करेगा. व्हाट आर दोस जॉब्स? ये वाले जॉब्स है, ये तीन जॉब्स है, ये तीन जॉब है. मतलब तीन टेबल, ऐसे छह टेबल है लेकिन हमारे तीन ही जॉब ट्रिगर कर रहे हैं हम लोग अभी के लिए. अभी बताओ शुभदा मुझे. अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं फिर से समझ. बोलो बोलो. Do you have network issue? Yes sir, actually थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा था आपका पूरा. ठीक है. हेलो. हाँ हाँ समझ में आया कि नहीं अभी भी? Yes sir, आया है समझ में. हाँ बोलो, जो भी समझ में आया बोलो क्लास में. हेलो. हाँ बोलो बोलो. हाँ सर, स्टार्ट वर्कफ्लो ट्रिगर ये करता है, ट्रिगर करता है और फिर क्रॉलर में वो जो डेटा बनता है उसको ट्रिगर ये करता है, देखता है वो करेक्ट है कि नहीं है. अगर वो है फिर वो तीन जॉब एग्जीक्यूट करता है जो आपने वहां पे है ना, एम्प्लॉई स्कीमा कन्वर्टर्स. हेलो.
हेलो हेलो, यस 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 हाँ बोलो। ठीक है, आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है, जस्ट लीव इट, ठीक है। लेकिन अगली बार से मुझे ये चाहिए नहीं है, मतलब आपके इश्यूज बहुत होंगे हर बार, आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो आई विल मेक अ नोट ऑफ इट एंड इन्फॉर्म टू सर, ठीक है। आप अगर क्लास में ध्यान दे रहे हो ना, आप गलत आंसर दे रहे हो, आई डोंट माइंड, लेकिन अगर ऐसे हो रहा है तो आई विल इन्फॉर्म टू सर, ठीक है। और नेटवर्क के इश्यूज आपके पर्सनल है, वो उसको कैसे एड्रेस करना है, यू विल हैव टू डील विद, ठीक है। ओके शुभदा, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। चलो, मतलब ये तो मुझे कुछ वेस्ट एक्टिविटी लगती है। चलो, जिनको बोलना है क्लास में बोलेंगे, अदरवाइज वो लोग खुद के इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सर ये हो गया। एक आई वॉज हैविंग वन डाउट, शैल आई यस आस्क? यस यस बोलो। एक्चुअली अनलेस एंड अनटिल द ईटीएल जॉब ट्रिगर विल रन, द अदर जॉब्स विल नॉट रन, राइट? दैट एम्प्लॉय स्कीमा, यस कस्टमर यस स्कीमा, बट इफ वी विल रन देम मैन्युअली दे विल डेफिनेटली रन, राइट? यस मैन्युअली तो रन करेंगे, बराबर। ओके। और सर वो जो मतलब जॉब क्लोनिंग का किया ना आपने, तो हाँ उसमें जस्ट हमने उसके मतलब कॉन्फ़िगरेशंस कॉपी किए क्या? वो थोड़ा समझा नहीं मुझे। अरे, क्लोन मतलब क्या किया हमने? सिर्फ वो कस्टमर स्कीमा कन्वर्जन जॉब था ना, हाँ, उसको कॉपी किया, उसकी रेप्लिका बना दी और उसमें एडिट किया मैंने बस। मतलब वो अच्छा, सारे सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सेम ही थे ना, जस्ट आई ओके, हैड अच्छा, चेंजेस सोर्स एंड उसको सिर्फ रिनेम करना पड़ा कुछ चीजों को, बस उतना ही था। तो मतलब अभी हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एक प्रीवियस जॉब तो है ऑलरेडी ये क्रॉलर के लिए, तो और दो जॉब्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे ऐसे। हाँ, अच्छा, तो यू ठीक, कैन क्लोन और यू कैन मेक अ न्यू जॉब। क्लोन में क्या इशू होता है पता है क्या? अगर भूल हाँ, गए ना कोई चीज में, तो वो जॉब फेल हो जाएगा। फिर हम लोग भूल अच्छा, जाते हैं, तो रादर देन क्रिएट अ न्यू जॉब, जब कंफर्टेबल हो जाओगे उस चीज में, तो क्लोन करके एडिट करो। और एक हाँ, पूछना था कि ईटीएल जॉब जो है अपना, तो उसमें वो जो एक्शंस है ना, तो उसमें डिलीट का ही ऑप्शन है, तो रनिंग ऑटो स्टॉप कर देता है क्या? वो कैसे करता है? मतलब पे ईटीएल जॉब्स जो है ना अपने, हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक्शंस करके ऑप्शंस है, देखो जहाँ पे डिलीट का वगैरह एक सेकेंड, ऑप्शन है। मुझे जाने दो वहां पे। हाँ हाँ बोलो, यहाँ पे कहाँ हाँ हाँ तो पे बोल रहे हो? एक्शंस एक्शंस में सर, हाँ हाँ, तो डिलीट का वगैरह ही ऑप्शन है, तो मतलब स्टॉप का वगैरह कुछ ऑप्शन नहीं होता क्या ऐसा? मतलब रनिंग स्टॉप करने के लिए वो कंटिन्यूअसली रन ही होता रहता है, कैसा होता है इसका जॉब का? नहीं, कंटिन्यूअसली कैसे रन होगा प्रोजेक्ट का? जब तक अच्छा, जॉब रन होगा, आइदर इट विल हाँ, सक्सीड और इट विल फेल। तो आपको आपका जॉब अगर ऑन डिमांड है, तो वो जब रन करोगे, उसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा, उसको रिसोर्सेस अलोकेटेड हो गए, तो उतने ओके टाइम के लिए रन करेगा, उसका स्टेट अचीव करने के बाद वो बाजू में जाके बैठ जाएगा, खत्म। यू ओके ओके हैव ओके, शेड्यूल दैट यू हैव कॉन्फिगर्ड फॉर अ जॉब। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है शेड्यूल का, यस यस सर, ठीक यस, है। अगर आपने हाँ, जॉब के लिए और एक शेड्यूल क्रिएट किया, समझो यहाँ पे देखो, यू हैव दिस टू ट्रिगर्स दैट आर ट्रिगरिंग दिस जॉब, राइट? मतलब यस, ये जो ऐड किया ना हमने वर्क फ्लो, वो कॉपी बना के हाँ, ऐड किया, कॉपी बना के ओके ऐड, ओके ठीक है। हाँ, ओके तो एक ही ओके, ट्रिगर है वो वैसे। तो अच्छा, यू कैन क्रिएट अ शेड्यूल एंड आस्क योर जॉब टू रन फॉर पीरियोडिक टाइम। अगर ये करते हो, ये ऑप्शन चूज करते हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो ऑटोमेटिक रन होगा अच्छा अंटिल ओके एंड ओके अनलेस यू डिलीट दिस जॉब और यू डिलीट दिस शेड्यूल। ओके ओके ओके, मैनुअल अगर कर रहे हो, अगर कोई हाँ शेड्यूल आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, वो तो ऑन हाँ डिमांड हो गया, राइट? अच्छा, मतलब जो कुछ भी हमने अभी तक किए हैं जॉब, वो सब हमारे ऑन डिमांड ही है, बाय यस यस डिफॉल्ट ऑन डिमांड हो जाता है फिर वो। यस यस अच्छा, बाय डिफॉल्ट, मतलब आपने अगर उसको शेड्यूल ही नहीं दिया है, तो आप हाँ, मैनुअली रन कर रहे हो, वो तो ऑन डिमांड ही हो गया ना। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक तो यू सर, अगर उसको रन नहीं करोगे, जब मैन्युअली रन करोगे, उतने टाइम के लिए वो रन होगा, आइदर इट विल फेल और इट विल सक्सीड। जब तक एक्स अच्छा टाइम मैन्युअली रन नहीं करोगे, तब तक वो कुछ बिल कॉज नहीं करेगा।
और हमने जो नंबर ऑफ रिट्राइज का ऑप्शन दिया था, अगर सपोज फेल हो जाता है और एक बार रिट्राई का ऑप्शन दिया है तो वो ऑटोमेटिकली एक बार ट्राई करेगा, अगर राइट तब भी नहीं होता तो वो फेल हो फिर रुक जाएगा। जाएगा। यस यस अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। तो ओके कहाँ थे हम लोग? वर्कफ्लोस पे थे ना, इसको रन करके देखते हो वर्कफ्लो को। हमें कहाँ पे ट्रिगर ट्रिगर को रन करना पड़ेगा अभी, ऑन डिमांड ट्रिगर को। सेकेंड वर्क फ्लो तो स्टार्ट किया हमने, देखते हैं अभी क्या। ये देखो यहाँ पे रन डिटेल्स दिखते हैं, स्टार्ट वर्क फ्लो क्रॉलर हो गया, दिस इज इन रनिंग स्टेट। अभी हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस हाँ यस सर। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ वर्क फ्लो रन किया और उसके हिस्ट्री में जाके हम लोग सिर्फ मॉनिटर कर रहे। तो ये स्टार्ट वर्क फ्लो ट्रिगर तो ट्रिगर हो गया, अभी तो ये ऑन डिमांड था तो इट इज नॉट मेकिंग मच सेंस। इसको शेड्यूल बना के एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग, ठीक है? वो शेड्यूल के हिसाब से रन होता है, नहीं ये मॉनिटर कर, ठीक है? तो ये क्रॉलर अभी रन हो रहा है, वी कैन वेयर आई कैन मॉनिटर द क्रॉलर? और कहीं पे मॉनिटर कर सकते हो क्या क्रॉलर? यहाँ पे भी ना, ये देखो ये क्रॉलर रन हो रहा है यहाँ पे। हाँ ओके, इट इज स्टिल इन रनिंग स्टेट। तब वो हुआ नहीं है। स्टेटस इन्फॉर्म टू कैंसिलिंग, हमने स्टॉप रन किया था क्या अभी गलती से? पता नहीं, लेकिन वो स्टॉपिंग के लिए तो गया था सर, स्टॉपिंग दिखा रहा था वो स्टॉपिंग तो प्रॉब्लम। जाता ही है जब, तो सक्सीड हो गया।
दिस शुड मूव फॉरवर्ड. यस वो थोड़ा सा ये लेटेंसी है शायद. देखो ये सक्सेसफुल हो गया इसीलिए ये ट्रिगर हो गया अभी, एंड दिस थ्री न्यू जॉब्स आर रनिंग नाउ. ठीक है, यू कैन मॉनिटर दिस ब्लू जॉब्स हियर ऑल्सो, राइट? जॉब रन मॉनिटरिंग. अब हमें पता नहीं ये ब्लू जॉब रन हो गया नहीं, लेट्स सी. हाँ कहाँ पे देख सकता हूँ मैं स्टेटस, कोई बताओ मुझे. अच्छा मुझे इसके रन्स देखने हैं. अभी जो वर्क फ्लो रन हो रहा है ना उसको मॉनिटर करना है. कहाँ से कर सकता हूँ मैं? अरे बोलो. बोलो बोलो आदित्य, बताओ कहाँ से कर सकते हैं हम लोग. हाँ ऋषिकेश, आपने अनम्यूट किया था, बताओ. जॉब रनिंग मॉनिटरिंग पास के पास देख सकते हैं. जॉब रन मॉनिटरिंग में तो हमें जॉब दिखेंगे ना, मुझे वर्क फ्लो देखना है. वर्क फ्लो का जो अभी इसके पहले हमें दिख रहा था ना वो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वो यहाँ यस से हिस्ट्री देखना है. हिस्ट्री में जाके ना, यस हिस्ट्री में जाके यहाँ पे अगर व्यू रन डिटेल्स देखोगे ना, यू विल बी एबल टू सी ऑल दी रन डिटेल्स. ये दो जॉब हमारे फेल हुए, आई डोंट नो व्हाई. लेट्स सी क्या फेल हुआ. ये रन हो रहा है, ये भी फेल होगा शायद, क्योंकि हमने ना क्रॉल करना था वो फर्स्ट क्रॉल, क्योंकि बिना स्कीमा के हमने जॉब को दे दिया. हाँ राइट, तो मैन्युअली क्रिएट किए थे ना, उसको स्कीमा ही नहीं मिल रहा है रन के पहले. ठीक है, तो आई थिंक हम डेटाबेस में जाके देख सकते हैं उसको. राजडीपी डीपी ओवरराइड हो गए. व्हाई इट इज फेलिंग ना, लेट सी क्यों फेल हो रहा है. जो इशू है ठीक रिकॉर्ड वाइल कॉलिंग 104 लीगल एम्प्टी स्कीमा. यस ये इशू है हमारा. हम लोगों को ना पहले एक क्रॉल मैन्युअली करके उसका स्कीमा एटलीस्ट जॉब को मिलना चाहिए. ठीक है, हमने क्या किया कि मैन्युअली टेबल क्रिएट किए, एम्प्टी टेबल्स थे वो. ठीक है, जब जॉब क्रिएट हुआ ना हमारा विजुअल से, तो वो स्क्रिप्ट में ना उसका स्कीमा ही नहीं मिला उसको. समझ में आ रहा है आपको? जॉब तो हमारा पहले से सेव हो गया था ना, तो वो दिक्कत हो गई. तो फर्स्ट क्रॉल करके आप लोग अभी क्या कर सकते हो खुद से, नहीं तो कल हम लोग इसको एडिट करके फिर से ट्राई करेंगे. दैट आई वॉज गोइंग टू डू दैट वे ओनली, बट आई थॉट ठीक है चलो टेबल क्रिएट कर. किसी ने बोला ना कि वी कैन क्रॉलिंग का मीनिंग क्या रहेगा, लेकिन क्रॉलर से हमें ना स्कीमा चाहिए होता है AWS डेटा कैटेलॉग में. तो एक बार मैनुअल रन करने से आपके सब्सिक्वेंट रन इजी हो जाते हैं. ठीक है, तो हम
एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, क्योंकि हमारे पाइपलाइन में भी ना फर्स्ट रन मैनुअल होता है, ठीक है। मेरी कंपनी की जो पाइपलाइन है तो फर्स्ट रन हमारा हर बार मैनुअल होता है, क्योंकि हमें एयर फ्लो वेरिएबल्स भी चेंज करने पड़ते हैं मैन्युअली, ठीक है। तो इस केस में ना जो भी स्कीमा हैंडलिंग होती है फर्स्ट रन मैन्युअली कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर वर्क फ्लो में डेफिनेशन में हमें इश्यू आ रहा था कि विदाउट विदाउट डेटाबेस एंड इट्स टेबल वी कैन नॉट क्रिएट अ ग्लू जॉब राइट विजुअल से, तो हम लोग फर्स्ट एक क्रॉल करके रख सकते हैं जस्ट टू फेच अ स्कीमा फॉर इट टू फॉर आर फॉर अस टू रेफर इट इन ग्लू जॉब, ठीक है। तो एक फर्स्ट रन मैनुअल करके उसके बाद आप वर्क फ्लो ये कर सकते हो। किसी को समझ में आया हमने क्या गलती की? अभी बता सकता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया क्या गलती किया। यस सर, हाँ समझ में आया ना सर? एक डाउट पूछू क्या? एक सेकेंड, मुझे दो मिनट बाद पूछना, ठीक है। एक बार मुझे ये जानना है कि बाकी लोगों को समझ में आया है, ठीक है, उसके बाद पूछ लेना। आई टेल यू टू आस्क, ठीक है। तो बोलो अभी अभी की जो चीज है समझ में आई क्या, हमारी गलती क्या हुई है? यस सर, हाँ बोलो बोलो। यस समझ में आया ना, हमने क्या किया, मैनुअल टेबल क्रिएट किया राइट, उसमें स्कीमा ही नहीं था, एम्प्टी स्कीमा था। व्हाट रादर देन दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रन अ स्कैन रन अ क्रॉलर मैनुअली वंस एंड क्रिएट ग्लू जॉब्स, ठीक है। और ग्लू जॉब क्रिएट करने का प्रॉब्लम क्या होता है, आप अगर समझो ये विजुअल से कर रहे हो ना तो इसको स्कीमा चाहिए स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए। इफ यू आर प्रोवाइडिंग योर ओन स्क्रिप्ट इन दैट यू विल हैव अ डिफाइंड स्कीमा एंड ऑल एक्सेट्रा राइट, स्क्रिप्ट आप खुद दे रहे हो समझो। चलो मैं ना इसको थोड़ा इजीली समझा देता हूँ यहाँ पे, इफ वी कैन सी द ब्लू जॉब्स वी एबल टू अंडरस्टैंड। It has happened to if it failed you right. Issue if it illegal empty scheme. ChatGPT पे दाग डाल के देखते हैं हम इस इशू को। Okay, I will look at it. One note two. एक बार क्या करो बताइए क्या, अभी एक बार क्रॉलर से करके देखो, ठीक है। पहले क्रॉल करो उसके बाद जॉब क्रिएट करो और उसके बाद आपका एक वर्क फ्लो रन करके देखो। आई एम श्योर प्रीटी श्योर कि वो वर्क वर्क होगा, ठीक है। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज विल डू दिस थिंग अगेन टुमारो, मैं सारी चीजें बना के रख देता हूँ और आपके सामने एक बार रन कर देते, ठीक है। तो विल डू इट दैट वे, लेकिन वो क्रॉलर क्रॉलर से आप डायरेक्ट उसके बाद ब्लू जॉब क्रिएट करोगे ना, यू विल नॉट फेस दिस इशू। ये बोल रहा है कि जब हम लोग टारगेट डीएफ राइट कर रहे हैं ना डायनामिक फ्रेम, उस टाइम पे एम्प्टी स्कीमा आ रहा है, मतलब जो स्कीमा कन्वर्जन का लेयर है ना उसमें कुछ इशू है, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, अभी तो हमारे जॉब्स फेल हुए हैं, ठीक है, थीके? लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आपको अगर क्रॉल करने के बाद आप ग्लू जॉब बना के फिर वर्क फ्लो ट्रिगर करोगे ना, यू विल नॉट फेस दिस इशू, ठीक है। हाँ प्राची बोलो, आप कुछ बोल रहे थे? सर इट वॉज मी प्राजक्ता। हाँ ओके, हाँ एक्चुअली आई वॉन्टेड टू आस्क दैट नाउ वी हैव नॉट डिलीटेड द टेबल्स इन द गैरेज डेटाबेस, सो आफ्टर
डायरेक्ट वर्कफ्लो और ईटीएल जॉब भी डायरेक्ट बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको बना भी सकते मैनुअल रन करना पड़ेगा क्रॉलर को फिर से? नहीं हैं। नहीं, जरूरत क्यों क्यों, है। आपका ऑलरेडी हाँ मेटा डेटा, हाँ अवेलेबल है। यस यस, यू डोंट नीड टू डिलीट इट डायरेक्टली। अभी दो ओके ठीक जॉब बनाओ, कस्टमर्स का है, जॉब तो पहले से बना हुआ है, नए यस जॉब बनाओ ओके। और वर्क फ्लो डिजाइन करो ऐसे ट्रिगर्स के साथ, एंड देन रन इट। ठीक है, और ट्रैफिक का ऐड कर सकते हैं क्या? मतलब जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग दैट, मतलब वो जो हमने ऑल का कंडीशन दिया था फॉर द ईटीएल ट्रिगर, सो इट विल चेक ना बोथ द क्रॉलर्स हैव सक्सीडेड और नॉट, यस देन यस यस, ओके राइट। ओके तो ओके आप वो भी कर सकते हो। देखो हमारे इसमें ना कहाँ पे वर्क फ्लो दिख रहा है, पेज, हाँ वर्क फ्लो में जाओ, ये यहाँ पे सिर्फ एक आपको क्रॉलर ऐड करना है, क्रॉलर के बाद उसके डिपेंडेंट जॉब ऐड करने हैं, बस कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्ट ट्रिगर दो क्रॉलर को ट्रिगर करेगा। यहाँ पे अगर ऐसे करोगे ना, यहाँ पे यू विल बी एबल टू ऐड अ नोड हियर, यहाँ पे एक नोड ऐड होगा, उसको आपका ट्रैफिक क्रॉलर रहेगा, उसके फिर आपको एक और इवेंट ड्रिवन ट्रिगर बनाना पड़ेगा टू ट्रिगर योर ट्रैफिक जॉब्स। समझ में आया? ओके मतलब वो ऐड ट्रिगर के ऑप्शन से ही करना है, कहाँ से करना है वो ऐसा ऐड ट्रिगर ही करना पड़ेगा, जब ऐड ट्रिगर ट्रिगर बना ही? लो उसको ऐड हाँ करो। ठीक है, अच्छा ठीक है। मतलब ट्रिगर नहीं बनाओगे इसमें ऐसे टाइप, इसमें ऐड कर सकते हो क्या, देख लो ना, गराज क्रॉलर जैसे, इसकी वॉच लिस्ट में दूसरे को भी डालो, हाँ चलेगा चलेगा। इसकी वॉच लिस्ट में दूसरे क्रॉलर को भी डालो, अच्छा अगर वो आपने ऑल कर दिया हाँ उसको, तो ये दोनों जब सक्सेसफुल हो गए तभी आपके आगे वाले जॉब्स रन होंगे। ठीक है ठीक एनी है कर दिया तो अगर इसमें से एक भी सक्सेसफुल हो गया तो आगे वाले जॉब रन हो, तो एनी कर रहे हो ना तब बी कॉशियस कि आपको यहाँ की डिपेंडेंसी कैसे सेट करनी है, क्योंकि आपको वो वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा सक्सेसफुल हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है, राइट। हाँ। इन दैट केस ओनली यू विल ट्रिगर, अगर गराज फेल हो रहा है तो गराज के ग्लू जॉब्स आपको ट्रिगर नहीं करने, और ये फेल हो रहा है तो ट्रैफिक फेल हो रहा है तो ट्रैफिक के नहीं करने। हाउ यू विल डू दैट, जस्ट फिगर इट आउट, ऑल के साथ तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है थैंक है, यू। ओके, चलो गाइस हम लोग ये कल कर करते हैं, ठीक है। आई आई ऑल्सो क्रिएट, मतलब क्रॉल करके एक बार करके देख लेता हूँ मैं अभी वर्क फ्लो, आपके एंड से करो, कुछ दिक्कत नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इट विल वर्क, इफ इट डजेंट विल फिगर आउट वॉट टू डू टूमोरो। ठीक है, बाकी वर्क फ्लो तो डेमोन्स्ट्रेट हो गया वैसे हमारा, जस्ट दैट आखिरी के जॉब फेल हो गए, वो तो जॉब का इशू है, वर्क फ्लो का कोई इशू नहीं है। वी हैव इनिशिएटेड फ्रॉम स्टार्ट वर्क फ्लो, गराज में फ्लो आया, उसके बाद इवेंट ट्रिगर भी ये हो गया और उसने जॉब भी ट्रिगर कर दिए, तो वर्क फ्लो तो डेमोन्स्ट्रेट हो गया है। जस्ट दैट हमारे अप्रोच में थोड़ी दिक्कत थी कि हमने एम्प्टी टेबल क्रिएट करके ग्लू जॉब क्रिएट किया। ठीक है, तो व्हाट इज दैट इशू, आई विल फिगर इट आउट, लेकिन आप आपका पहले से क्रॉल्ड है तो अभी वर्क फ्लो बना के एक बार रन करके देख लो और लेट मी नो कि रिजल्ट आता है, यानी यू कैन मैसेज मी। ठीक है, रिजल्ट आता है तो मैसेज करो, चलेगा? सर परसों के इसमें थोड़ा पूछना था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ बोलो। हाँ तो जो कस्टमर का आपने पार्टीशन का बोला था ना, वो कस्टम क्लासिफायर का, तो वो करके देखा, तो जब एथेना में क्यूरी फायर की ना, तो उसने जो आउटपुट दिया, तो एक रन में उसने क्या किया, जो हमारा 5 तारीख का जो डेट होल्डर था ना, उसका डेटा दे दिया, और फिर से एक बार मैंने वो क्यूरी रन की तो उसमें 6 तारीख का दे दिया। मतलब एट ए टाइम वो 5 और 6 दोनों डेट्स का नहीं दे रहा था। तो मतलब वो जब चैट जीपीटी पे डाला तो उसने बोला कि क्योंकि वो कॉस्ट इफिशियंसी की वजह से वो ऐसा करता है, तो मतलब कैसा होता है फिर वो? आपने कंडीशन में डाला था क्या, डेटा लोड डेट इक्वल टू समथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डाला था, हाँ तो क्या फिल्टरिंग डाला था? कंडीशन कुछ नहीं डाला था, तो जस्ट सिर्फ उस लिमिट उसका 10 था। तो मैंने क्या किया था, 5 10 ही रिकॉर्ड लिए थे, आपने जो फाइल शेयर की थी ना उसमें से 10 10 रिकॉर्ड का ही किया था मैंने, तो लिमिट भी उसका 10 था, तो बाद में 30 लिमिट करके भी देखा मैंने उसका, ताकि दोनों डेट्स का आ जाए, लेकिन फिर भी वो एक ही डेट का दे रहा था एट ए टाइम, एक रन में वो एक ही डेट का प्रोवाइड कर रहा था। ओके ओके ओके, सिर्फ एक ही पार्टीशन
हाँ ऐसे एक ही करो ना, पार्टीशन का। ऐसे करो वेयर क्लॉज लगाओ और डेट लोड इज इक्वल टू 05 और 06 एंड करके लगाओ, दोनों का आता है या नहीं देखो उसका। अच्छा ठीक है। और जब ईटीएल का जॉब में जब हम लोग टेबल सिलेक्ट करते हैं ना, तो उसमें भी कस्टमर सीएसपी डायरेक्ट वो फोल्डर का नाम आ रहा था, अंदर के जो पार्टीशन से वो नहीं आ रहे थे, तो ऑप्शन वैसा ही आता है क्या फिर वो? कैसे नहीं समझ में आया मुझे। हाँ मतलब जब हम लोग ईटीएल का जॉब क्रिएट करते हैं विजुअल में जाके, तो पहले हम डेटाबेस सिलेक्ट करते, बाद में टेबल का नेम सिलेक्ट करते हैं। हाँ डेटाबेस में अगर हमारे गैरेज टेबल में 5 टेबल है डेटाबेस में, तो हम लोग एक कोई तो टेबल सिलेक्ट करते हैं ना। तो इसमें क्या हो रहा था, जब मैंने वो कस्टमर डेटाबेस सिलेक्ट किया और बाद में जब टेबल सिलेक्ट करना था, तो उसने कस्टमर सीएसवी वो जो फोल्डर था वही सिलेक्ट किया। उसके अंदर हमारे 2 पार्टीशन है ना, वो ऑप्शन नहीं दिया उसने, बस वही सिलेक्ट किया। तो पार्टीशन के डेटा टाइप के लिए ऐसा ही आता है क्या वो ऑप्शन? हाँ मतलब जो पार्टीशन फोल्डर्स है उसके ऊपर क्रॉल करते हो ना आप। हाँ। हाँ, उसके ऊपर इस ऊपर के सब फोल्डर को क्रॉल करते हो, देन ओनली अच्छा इट विल अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पार्टीशन, राइट। अच्छा ओके। और जो S3 बकेट है ना, उसमें एक ऑटो बकेट जनरेट की गई है AWS ग्लू ने। हाँ ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, थैंक वो लॉग्स के यू। लिए वगैरह करता है वो, हाँ, ठीक है, थैंक यू जस्ट सर। मॉनिटर इट डजंट, मतलब बल्क नहीं हो, बल्किंग नहीं होना चाहिए उसका, मतलब बहुत ज्यादा लॉग्स नहीं हो जाने चाहिए, इतना होता नहीं है, लॉग्स दिखता ही नहीं है वो, अच्छा देखते रहो बस कि साइज बहुत बढ़ गया, डिलीट कर दो, कुछ दिक्कत नहीं, फिर से क्रिएट ठीक कर है, ले रहा हूँ ऑटोमेटिक। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और कोई इश्यूज? नहीं, और वो कस्टम क्रॉलर भी अच्छे से रन हो गया, वो जो स्केड्यूल किया था सुबह 8:10 पे किया था, तो वो 1 मिनट लेट हो गया, लेकिन हो गया रन वो। ठीक है ठीक है, ठीक, हाँ और कोई डाउट बाकी लोगों को? ठीक है, एंड करना है सेशन, ये कर लो बस, ठीक है। आज का वर्क फ्लो तो समझ में आ गया होगा, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, हमारे इसमें इश्यू आ गया होगा अभी, ठीक है, लेकिन बस वो मिस्टेक कमिट मत करना, डायरेक्टली हेलो यूज क्रॉल टेबल्स। हाँ बोलो प्रिया। सर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग गैरेज क्रॉलर एज अ ट्रिगर, बिकॉज़ व्हेनेवर वी आर क्लॉगिंग इट अप मैन्युअली, मींस एज यू सेड वी हैव टू फर्स्ट क्लॉग इट मैन्युअली हाँ एंड हाँ देन वी हैव टू क्रिएट अ वर्कफ्लो हाँ ऑन द फॉर द ईटीएल जॉब्स। सो यस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अगेन दैट गैरेज हाँ क्रॉलर फॉर द क्लॉगिंग, स्टार्ट क्रॉलर हां बोल रहे हो ना, हाँ राइट, गैरेज क्रॉलर वी आर रिक्रॉलिंग दोस टेबल्स अगेन अरे फॉर। प्रियंका ये आप समझ नहीं रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्रॉल, नॉट नेसेसरीली आपको हर बार क्रॉलर की जरूरत पड़ती है पाइपलाइन में, यू नो दोज ऑप्शन राइट, सब्सिक्वेंट रन वाले ऑप्शन, स्कीमा स्कीमा का इवोल्यूशन आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन क्रॉलर की जरूरत हर रन में पड़ती है, सब्सिक्वेंट रन में भी पड़ती है, समझ में So, we आया? can use the job as a trigger instead of a crawler. Means I am asking that ओके instead ओके, बोलो बोलो, of a crawler, we आवाज can क्लियर use नहीं the है। हाँ job as a trigger. Hello. हाँ बोलो बोलो, Instead of a garage crawler, we can use another ETL job which will be based on that those tables as a trigger. यस यस यू कैन डू दैट, मतलब मुझे Because we समझ are में नहीं आया recrawling, किस। हाँ, I am asking that question because we are recrawling that those tables again for generating schema. Means we have firstly यस manually crawl that those tables to generate the हाँ schema, and in हाँ again workflow we are giving that same crawler for the as a trigger. राइट यस, So हाँ, because when you run that जो workflow, आप then फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, ठीक है, yes. ये आप भी विजुअल के लिए कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू रन मैनुअल स्क्रिप्ट्स नो यू डोंट नीड टू क्रॉल इट फर्स्ट टाइम आल्सो, ठीक है, आप स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर में आपकी खुद की स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हो ना, देन यू डोंट नीड टू सिलेक्ट डेटाबेस से टेबल्स वगैरह ना, ठीक है, तो वो वहां से स्कीमा उठाता नहीं है ना, तो हम लोग मैन्युअली देते हैं स्क्रिप्ट में, राइट, मतलब हम खुद टाइप करते हैं वो स्कीमा, तो उस टाइम पे आपको ये इनिशियल रन की जरूरत नहीं है, इन दैट टाइम आर वर्क फ्लो इज मोर सुटेबल, ठीक है, और इस केस में भी आप फर्स्ट क्रॉल तो खुद से कर रहे हो, लेकिन अगर समझो आपने ये ट्रिगर शेड्यूल लगाया है इसमें, समझो एक सेकेंड ना,
ये समझो इसमें एक शेड्यूल लगाए डेली का, बट डेली ऑल्सो यू नीड टू क्रॉल इट फॉर हैंडलिंग स्कीमा इवोल्यूशन. अगर आपके समझो फाइल्स में थोड़े बहुत कॉलम्स वगैरह नए ऐड हो रहे हैं समझो, व्हाट यू विल डू इन दैट केस? आई गॉट इट. यस राइट. सबसिक्वेंट रन समझ में आया आपको अभी? यस यस ठीक है. Actually, sir, I have one issue that I have faced. Actually, when I was crawling, as you saying that customer CSV folder, I was crawling that, try to crawl that folder, but it is got succeeded, but there is a no generation of a table or partition of paper. Partition नहीं आया क्या? No sir, partition भी नहीं आया and the table भी नहीं. अरे क्या हो रहा है ना? आप आपको ना वो ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली जिप जिप को ना अनजिप करके डायरेक्टली आपको यस सर आई हैड कन्वर्टेड दैट इनटू द फाइल. हां अनजिप करके डायरेक्टली अपलोड मत करना. क्या करो? नो सर आई हैड कन्वर्टेड दैट टू द फाइल. यस यस लिसन टू मी फर्स्ट. ओके हां तो मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ उसको अनजिप करके डायरेक्टली अपलोड मत करना. जो डेटा लोड इज इक्वल टू डेट है ना, तो वो वहां पे जाके क्रिएट करो. समझ में आया आपको? सिर्फ यहाँ से फाइल उठा के मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर दिया वो फोल्डर का, इट कॉजेस सम इश्यूज. उसकी वजह से हो सकता है इशू. बाकी लोगों ने फेस किया है क्या? यस सर सेम थिंग आई हैड अ लैपटॉप एंड इट वाज वर्किंग. ओके सो आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज नॉट द इशू. सर मैंने क्या किया है, मेरा हो गया है वो अच्छे से रन. जब हमने एक्सट्रैक्ट किया ना फाइल, तो उसके अंदर और एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है और वो फोल्डर के अंदर वो डेटा लोड का फोल्डर है. मतलब दो दो चीजें, तो जो अंदर का जो फोल्डर है ना वो मैंने अपलोड किया है, तो वो आ गया. मतलब टेबल चेंज पार्टीशन वगैरह भी आ गया मेरा. प्रियंका आपको प्राजक्ता ने बोला वो समझ में आया ना? Yes sir, but I want to upload those two files at the same time. Means in another laptop I had done the same thing, that is uploading that folder completely with those two files. So it is working, but in my laptop it is not working. So okay, can I you share your screen if you have it available? If you want to share screen then. Okay, I will share. Okay. I'll stop sharing. Thank you.